Hello friends, hi, this is me D Jinkinath and you are watching the Adventure Club Guwahati. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका ज़रूर दीजिए। तथास्तु। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं एक थोड़ा सा बिजी था काम में, तो इसलिए तो आज एक छोटा सा व्लॉग लेके आया हूँ जो कि आपको पसंद आएंगे ज़रूर शायद, और ज़्यादा लंबा भी नहीं है वीडियो। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट शेयर कुछ भी करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थंबनेल देखने के बाद तो आपको शायद मालूम चल ही गया होगा कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, तो कम ऑन देरी नहीं करते हैं, चलिए चलते हैं। बूम बूम बाइक लेके ऐसे कहीं कहीं चलता हूँ और मोबाइल से मैं वीडियो करके करते जाता हूँ तो शायद आदमी लोग देख के क्या सोचता होगा, ये सोचता होगा कि अभी आज ही गांव से आया है तो जगह देख रहा है और वीडियो कर रहा है, मगर मेरा बाइक देख के शायद कोई डाउट करता होगा कि ये यूट्यूब करता है, यूट्यूब का वीडियो शायद बना रहा है या फिर ऐसे ही कुछ किसी को व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करके बना रहा है दिखा रहा है, ऐसे कोई कोई सोचता हो। फाइनली मैं गीता मंदिर का नीचे में पहुंच चुका है, इसी रोड से हम ऊपर जाएंगे। यहाँ पे इतना सारा विजिटर्स आते हैं ना, और शूटिंग यहाँ पे मैक्सिमम होता है कि SMEs यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज मूवीज़ है सॉन्ग वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे शूट करते हैं। और असल में क्या है कि मैं भी पहले एक्टिंग करता था तो एक मैं गाना शूट किया था, मैं वहाँ उस गाना का हीरो था, तो मैं भी यहीं पर आके फिल्म वो गाना जो है शूट किया था, तो यहाँ पर काफ़ी सारे मेमोरीज हैं, मैं आपको शेयर करूँगा एक एक करके, पूरा नहीं तो कुछ तो श्योर करूँगा। और यहाँ से जो व्यू पॉइंट आपको देखने को मिलता है ना बहुत ही बढ़िया है, खूबसूरत है, कूल प्लेस है। ये रास्ता तो पहले था नहीं, यहाँ पे पहले पक्का वाला रास्ता था जो पीच रास्ता था, अभी ब्लॉक बना दिया है, अच्छा है, ब्लॉक देख के अच्छा लगता है मगर बाइक या गाड़ी चला के मज़ा नहीं आता, बहुत कम खर्चा में ये सब ब्लॉक रास्ता बन जाता है तो इट्स वेरी फाइन। फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है। अप्रैल 1975 को आधारशिला स्थापित किया था डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह देव जी ने। यहाँ पे एक्चुअली वीडियो शूट करना मना है, अपना तो मोबाइल का है भाई कमाल। ये आपका मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये बैक साइड पोर्शन है, अभी अनफॉर्चुनेटली मेन गेट लॉक्ड है तो इसीलिए हम अंदर नहीं दिखा पाएंगे आपको। यही जगह था जो जहाँ पे हम लोग यहाँ पे बैठ के अड्डा मारता था, और ये साइड में आपका साइड से दिखा रहा हूँ मैं मंदिर और पूरा एरिया भी दिखा रहा हूँ आपको, लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगा, ये रहा, ये है पार्किंग स्लॉट, यहाँ पे आप कार पार्किंग कर सकते हैं, बाइक पार्किंग कर सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन पार्क ओवर हियर, अच्छी जगह बनाए हैं। इस गीता मंदिर में मेरा बहुत सारे ऐसा यादें जुड़े हुए हैं कि मैं आपको बोल बोल के थक जाऊँगा, सिर्फ आपको एक ही मैं चीज़ बोलना चाहता हूँ
और ऐसे तो बहुत है, मगर एक बहुत बढ़िया चीज़ बोलना चाहता हूँ। शायद बचपन में सब लोग करते होंगे, जब मैं स्कूलिंग कर रहा था, 11th 12th का क्लासेस चल रहा था मेरा, तो तब हम बंक मरते थे, तीन चार लड़के। तो बंक मर के यहाँ पे हम लोग एक्चुअली में टाइम पास करता था। और आगे में और एक मंदिर है, मैं आपको उसका भी ब्लॉग कभी दिखाऊंगा, तो वहाँ पे और यहाँ पे आके हम टाइम पास करता था। तो वो ये तो ख़राब बात है, आप लोग मत करिएगा। अगर कोई स्कूल या कॉलेज बंक मारते हैं तो मत मारिएगा, क्योंकि अभी मैं पछता रहा हूँ। ये एकदम मंदिर का बैक पोर्शन है, जो कोई किसी आर्टिस्ट ने आर्ट कर किया था, पेंट किया था। तो ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग करके दिखाया गया है कि ये कैसे बना ये टेम्पल। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय आयो होम।